गांव से भरा पूरा राज्य है। प्रदेश में लोहा, टीना, तांबा, कोयला, पानी का अथाह भंडार है और एशिया का सबसे लौह खदान और स्टील प्लांट इसी छत्तीसगढ़ में है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्यों की श्रेणी में ही रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास में सही नीति का नहीं होना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की भी अपार संभावनाओं के मद्देनजर भूपेश सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति को लागू कर दिया है, जिसमें राज्य में अब बेतहाशा स्पंज, आयरन, पावर प्लांट नहीं बल्कि कृषि आधारित तो उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए किस तरह से आगे बढ़ने वाला है छत्तीसगढ़ इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा सितंबर 2019 का है, जब उद्योगपतियों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई औद्योगिक विकास नीति की सौगात दी थी। तब मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा था कि कृषि प्रधान राज्य में स्पंज और पावर प्लांट खूब लग गए हैं, अब यहां कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज, हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सस्ती दरों पर जमीन और टैक्स इत्यादि में छूट भी दी जाएगी। फल, फूल, सब्जी, हॉर्टिकल्चर, लघु वनोपज, हर्बल और खाद्य प्रसंस्करण, ये हम लगाना चाहते हैं। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा छूट दे रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में उद्योग लगे। मुख्यमंत्री ने जैसा कहा था उस पर वैसे ही अमल भी होने लगा है। कोर सेक्टर में भी उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं। सीमेंट से संबंधित उद्योगों को प्रतिबंधित सूची हटाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टील उद्योगों को आयरन अयस्क की सुगम उपलब्धता के लिए विशेष पहल की जाएगी। एक श्रमिक होने पर भी छोटे व्यापारियों को गुमास्ता लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरों की संख्या 10 की जाएगी। फैक्ट्री एक्ट में विद्युत से संचालित उद्योगों में 10 या अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले तथा बिना पावर के उपयोग से संचालित उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम संख्या 20 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव भारत सरकार को सहमति से भेजा जाएगा। जमीन की कीमत को हम लोगों ने 30% कमी की है, लीज रेंट दर में 1% की कमी की है और अन्य जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण किया गया है। साथ ही जो सिंगल विंडो की कहने की बात थी उसे वास्तविक रूप से धरातल में लाने का काम इस उद्योग नीति में किया गया है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों और व्यापारियों का क्या कहना है सुनिए। व्यापार उद्योग जगत की तरफ से मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी हमारी मांगों को मान के एक व्यापार उद्योग जगत को ये मैसेज दिया कि आप लोग काम करिए, मैं आपके साथ। मुख्यमंत्री जी के बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्व में हम विकास की नई गाथा लिखने के लिए बहुत तत्पर हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी सहृदयता से और इतनी त्वरित ये सारे निर्णय लिए जो वर्षों से लंबे अभी तक जो आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। यानी सीएम साहब ने ये भी कहा है कि 2 हेक्टेयर तक के जो प्लॉट हैं और जो 10 सालों से कंटिन्यू रन कर रहे हैं उसे वे फ्री होल्ड कर देंगे, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब की सकारात्मक सोच उद्योगों के प्रति होने से यहाँ उद्योगों का बहुत बहुत बढ़ावा होगा। यहाँ के लोकल उद्योगपति बहुत खुश हैं सीएम साहब की इन सब नीतियों से। सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि उद्योग बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व मिलेगा, ये मतलब बहुत ही अच्छी सोच है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ कि सरकार के निर्णय सब जो है धरातल पे आए ताकि उद्योगों को बहुत फायदा मिले और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ बहुत फूले फले। उद्योगों के पास उपलब्ध रिक्त भूमि, भूमि आवंटन पश्चात उद्योग की स्थापना न होने की दशा में उद्योग की स्थापना हेतु अधिकतम 1 वर्ष के अंतिम अवसर दिया जाएगा, तत्पश्चात भूमि आवंटन दरों पर वापस लेकर अन्य पात्र उद्यमों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह सभी सेक्टरों में विकास को समान रूप से ले जाना चाहते हैं,
उसमें औद्योगिक विकास के लिए की गई घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। राज्य की तरक्की में औद्योगिकी की भागीदारी भी अहम है। वैसे सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की दिशा में प्रयासरत है। उम्मीद सरकार की सही नीति और दिशा में औद्योगिक विकास की दशा के साथ छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास होगा। सरकार की नीति और नियत से झलकने लगा है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का एक नया आगाज हो गया है। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ में नई नीतियों के साथ राज्य को तरक्की की राह में आगे ले जाने में भूपेश सरकार कामयाब होगी, यह उम्मीद हम कर सकते हैं। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।